मेरे चैनल मिस यूट्यूब हिंदी में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर मैं जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए जानते हैं डैडलो पास घटना के बारे में। डैडलो पास एक ऐसी भयानक घटना थी जिसने वहाँ के लोगों को अंदर से हिला डाला था, जिसमें उत्तरी रूसी यूराल पर्वत पर 1 फरवरी 1959 की रात को रहस्यमय तरीके से 9 रूसी हाइकरों की मौत हो गई थी। इस घटना की शुरुआत होती है जब 7 पुरुषों और 2 महिलाओं का दल 23 जनवरी 1959 को इगोर डैडलो के निर्देशन में इसकी यात्रा पर निकला, जो कि यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान में 5th ईयर का छात्र था। वे सभी 20 से 24 के बीच की आयु वर्ग के थे। उनके 16 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में 190 मील की दूरी तय करने और उत्तरी उराल पर्वत ओटोटान और कोलल साइकिल को पार करने का लक्ष्य था। योजना अंतिम स्थान विजय नामक एक गांव से टेलीग्राम द्वारा संपर्क बनाने की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। ऐसी यात्राओं में देरी होना लाजमी है, लेकिन काफ़ी दिनों तक उनकी कोई खबर न मिलने पर उनके करीबी रिश्तेदारों और अन्य यात्रियों के कहने पर 20 फरवरी को एक खोज अभियान शुरू किया गया और यह 6 दिनों के बाद छात्रों के तंबू मिल पाए, जो कि अंदर से कटे हुए थे। ये भी काफ़ी चौंका देने वाला था। अगले ही दिन यूरी डोरशेंको और यूरी क्रिवेंचेंको के शव मिले, जो कि एक ही मील की दूरी पर पाए गए, जो कैंप फायर के पास ही जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर मुश्किल से ही कपड़े थे। यह देखकर सभी हैरत में पड़ गए। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति शून्य से नीचे तापमान में एकमात्र अंडरगार्मेंट पहने हुए है। इसके बाद के दिनों में 3 और स्कीयर खोदे गए, जिसमें डैडलो भी शामिल था, जबकि बचे हुए शरीरों को बर्फ पिघलने के बाद ही निकाला जा सका। किसी ने अब तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि अनुभवी हाइकरों का समूह आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए और बिना जूते पहने काफ़ी दूर कैंपिंग स्पॉट में अपने टेंट छोड़कर क्यों भाग गया था। क्या वो किसी से डर रहे थे या वहाँ कोई उनके अलावा और भी था। इसकी हाइकरों में 3 को त्रिबॉक्स ब्रिगोनोलस की खोपड़ी को बड़ी क्षति हुई थी और डब्लिनेना और जोलो टायरियो दोनों के सीने में बड़े फ्रैक्चर थे। 2 अन्य के छाती में भी फ्रैक्चर हुए थे और समूह में 1 की दोनों आंखें और 1 की जीभ गायब थी। यह सुनने में बड़ा भयानक लगता है। उनके कपड़ों के 3 सैंपल असमान रूप से रेडियोएक्टिव पाए गए, जो कि किसी तरह के वैज्ञानिक परीक्षण की ओर इशारा भी करते हैं। कुछ का मानना था वहाँ आसमान में UFO जैसी लाइट्स देखी गई थी। समूह के एक सदस्य द्वारा उसके कैमरे से खींची गई आसमान में एक रोशनी की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। बोरिस वोज्रदेनी के अनुसार इस तरह के नुकसान का कारण एक कार दुर्घटना के दबाव के मुकाबले बहुत अधिक था। विशेष रूप से हड्डी के फ्रैक्चर से जुड़े कोई बाहरी घाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी तरह के दबाव पड़ा था, जो काफ़ी अधिक था। फरवरी के अंत में एक आपराधिक मामला खोला गया था, लेकिन 28 मई को बंद कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि इनकी मौत प्राकृतिक है और कुछ स्टडीज़ का ये मानना भी था कि इनकी मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी। दोस्तों, हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान इसके निश्चित तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत नीचे चला जाता है और इसके बाद उपचार ना मिलने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फैक्ट्स।